नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मेरे इस चैनल पे। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस बनाना। दोस्तों पिछले तीन वीडियो में हमने सीखे थे इजेमआर से सिंपल सेंटेंस बनाना, उसके बाद फिर इजेमआर से नेगेटिव सेंटेंस बनाना सीखे थे, और उसके बाद फिर इजेमआर से इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाना सीखे थे। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस बनाना सीखेंगे। दोस्तों पिछले तीन वीडियो में जो मैंने आपको जो फॉर्मूले बताए थे, हो सकता है आप उसको याद कर लिए होंगे, यदि नहीं किए हुए हैं तो चलिए एक बार उसको फिर से रिमाइंड कर देते हैं। दोस्तों सिंपल सेंटेंस बनाने का फॉर्मूला था, सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद फिर हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद फिर कॉम्प्लीमेंट। और दोस्तों निगेटिव सेंटेंस बनाने का फॉर्मूला था, सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद फिर हेल्पिंग वर्ब, और हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट, उसके बाद फिर कॉम्प्लीमेंट। उसके बाद हमने बनाना सीखे थे इंटरोगेटिव सेंटेंस। तो इंटरोगेटिव सेंटेंस का फॉर्मूला था, सबसे पहले आता है हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद आता है सब्जेक्ट, उसके बाद आता है कॉम्प्लीमेंट। और दोस्तों आज हम बनाना सीख रहे हैं इंटरोगेटिव नेगेटिव। तो इसका फॉर्मूला है, सबसे पहले आएगा हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद आएगा नॉट, उसके बाद आएगा सब्जेक्ट, उसके बाद आएगा कॉम्प्लीमेंट। और एक फॉर्मूला और है जिसमें सबसे पहले आता है हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद आता है सब्जेक्ट, उसके बाद आता है नॉट, और उसके बाद आता है कॉम्प्लीमेंट। तो दोस्तों इसी फॉर्मूले से आज हम बनाना सीखेंगे। दोस्तों पहले आपको मैंने बताया था कि कौन से सब्जेक्ट के साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज होता है, यदि आप उसको भूल गए होंगे तो चलिए उसको भी थोड़ा सा रिमाइंड करा दूं। दोस्तों आई के साथ हमेशा हम यूज करते हैं एम का, और यू वी दे प्यूरल मतलब एक से अधिक है उसके साथ हम आर लगाते हैं, और ही सी इट नेम सिंगुलर किसी एक व्यक्ति के साथ इसका प्रयोग करते हैं। तो चलिए देर नहीं करते इस वीडियो में और सेंटेंस के माध्यम से इस इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस को बनाना सीखेंगे। दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको मैं सिंपल सेंटेंस और उसके बाद फिर नेगेटिव सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंस के बाद इंटरोगेटिव सेंटेंस और उसके बाद फिर उसी सेंटेंस का इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस बनाना बताऊंगा। दोस्तों हमने जो पहले सिंपल सेंटेंस, उसके बाद फिर नेगेटिव सेंटेंस, उसके बाद फिर इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाना सीखे थे, वो इस वीडियो में हमको एक बार और रिमाइंड हो जाएगा, जिससे हम उसको और अच्छे से समझ पाएंगे। तो चलिए सेंटेंस के माध्यम से हम उसको और अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। चलिए पहले सिंपल सेंटेंस बनाते हैं, एकदम आसान। वह चोर है, इसका हिंदी होगा ही इज अ थीफ। अब इसी का नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं, वह चोर नहीं है। इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है तो ही इज नॉट अ थीफ। अब इसी सेंटेंस का इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं, मतलब प्रश्नवाचक, क्या वह चोर है, इज ही अ थीफ। अब इसी सेंटेंस को हम इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस में बनाते हैं, जैसे क्या वह चोर नहीं है। अब इसका इंग्लिश कैसे बनेगा, इजंट ही अ थीफ, या फिर आपको एक फॉर्मूला और बताया था, इज ही नॉट अ थीफ। घास हरी होती है, या फिर घास हरी है, यह सिंपल सेंटेंस है तो चलो इसको ट्रांसलेट करते हैं, ग्रास इज ग्रीन। अब इसी सेंटेंस को निगेटिव सेंटेंस में बनाते हैं, घास हरी नहीं होती, या फिर घास हरी नहीं है। अब इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है तो ग्रास इज नॉट ग्रीन। अब इसी सेंटेंस को हम इंटरोगेटिव सेंटेंस में बनाते हैं, मतलब प्रश्नवाचक में। तो प्रश्नवाचक कैसे बनाएंगे, क्या घास हरी है। अब इसको ट्रांसलेट करना है तो Is grass green? अब इसी सेंटेंस को इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस में बनाएंगे तो क्या घास हरी नहीं है। अब इसको जैसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है तो isn't grass green, या फिर is grass not green? रोजी और डेजी चतुर हैं, ये सिंपल सेंटेंस है तो चलो इसको ट्रांसलेट करते हैं,
रोजी एंड डेजी आर वाइज, मतलब रोजी और डेजी चतुर हैं। अब इसी सेंटेंस को निगेटिव सेंस में बनाते हैं, रोजी और डेजी चतुर नहीं है। चलो इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं, रोजी एंड डेजी आर नॉट वाइज। अब इसी सेंटेंस को इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं, जैसे क्या रोजी और डेजी चतुर है। अब इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे, आर रोजी एंड डेजी वाइज। अब इसी सेंटेंस को इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस बनाते हैं, क्या रोजी और डेजी चतुर नहीं है, आंट रोजी एंड डेजी वाइज, या फिर आर रोजी एंड डेजी नॉट वाइज। शेर जंगल का राजा है, ये सिंपल सेंटेंस है। चलो इसको ट्रांसलेट करते हैं, लॉयन इज द किंग ऑफ फॉरेस्ट। अब इसी सेंटेंस को निगेटिव सेंटेंस में बनाते हैं, शेर जंगल का राजा नहीं है, लॉयन इज नॉट द किंग ऑफ फॉरेस्ट। अब इसी सेंटेंस को हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं, क्या शेर जंगल का राजा है। चलो अब इसको ट्रांसलेट करते हैं, इज लॉयन द किंग ऑफ फॉरेस्ट, क्या शेर जंगल का राजा है। अब इसी सेंटेंस को हम इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस में बनाते हैं, क्या शेर जंगल का राजा नहीं है। चलो इसको ट्रांसलेट करते हैं इंग्लिश में, इजंट लॉयन द किंग ऑफ फॉरेस्ट, या फिर इज लॉयन नॉट द किंग ऑफ फॉरेस्ट। चंद्रमा शीतल है, ये सिंपल सेंटेंस है। चलो इसको ट्रांसलेट करते हैं, द मून इज कूल। अब इसी सेंटेंस को निगेटिव सेंटेंस में बनाते हैं, चंद्रमा शीतल नहीं है। अब इसको चलो इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं, द मून इज नॉट कूल। अब इसी सेंटेंस को इंट्रोगेटिव सेंटेंस में बनाते हैं, क्या चंद्रमा शीतल है, इज द मून कूल। अब इसी सेंटेंस को हम इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस बनाते हैं, क्या चंद्रमा शीतल नहीं है, इजंट द मून कूल, या फिर इज द मून नॉट कूल। दोस्तों मैं एकदम ही इजी वे में आपको समझा रहा हूं, आप इसको अच्छे से देखिए और समझने की कोशिश कीजिए। मोहन और सोहन भाई है, दोस्तों ये सिंपल सेंटेंस है। चलो इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। दोस्तों जब मैं सेंटेंस बोलता हूं तो आप उस सेंटेंस को मन में बनाने की कोशिश कीजिए, और जब मैं उसका जवाब इंग्लिश में देता हूं तो आप उसको मैच कीजिए, तो आपको एकदम आसानी से समझ में आ जाएगा। जैसे मोहन और सोहन भाई है, अब इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन होगा, मोहन एंड सोहन आर ब्रदर्स। अब इसी सेंटेंस को निगेटिव सेंटेंस बनाते हैं, मोहन और सोहन भाई नहीं है, मोहन एंड सोहन आर नॉट ब्रदर्स। अब इसी सेंटेंस को इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं, मतलब प्रश्नवाचक में, क्या मोहन और सोहन भाई है, आर मोहन एंड सोहन ब्रदर्स। अब इसी सेंटेंस को इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस में बनाते हैं, क्या मोहन और सोहन भाई नहीं है, आंट मोहन एंड सोहन ब्रदर्स। या फिर आपको एक फॉर्मूला और बताया था, आप ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, आर मोहन एंड सोहन नॉट ब्रदर्स। आपको जो सही लगे, जो सुटेबल रहे आप बोल सकते हैं, ये दोनों ही सही हैं। वह आलसी है, एकदम ही सिंपल है। चलो इसको ट्रांसलेट करते हैं, ही इज लेजी। अब इसी सेंटेंस को निगेटिव सेंटेंस में बनाना है, मतलब नकारात्मक वाक्य में, वह आलसी नहीं है। चलो इसको ट्रांसलेट करते हैं, बहुत ही आसान है, ही इज नॉट लेजी, वह आलसी नहीं है। अब इसी सेंटेंस को हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं, मतलब प्रश्नवाचक वाक्य में, क्या वह आलसी है। चलो ट्रांसलेट करते हैं, बहुत ही आसान है, इज ही लेजी। अब इसी सेंटेंस को इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस बनाते हैं, क्या वह आलसी नहीं है। चलो ट्रांसलेट करते हैं, इजंट ही लेजी,
या फिर इज ही नॉट लेजी? तुम बीमार हो, बहुत ही आसान है, आप इसको बनाने की कोशिश कीजिए। चलो मैं बताता हूं आपको, यू आर सिक, तुम बीमार हो। अब इसी सेंटेंस को निगेटिव सेंटेंस बनाते हैं, मतलब नकारात्मक वाक्य में तुम बीमार नहीं हो, यू आर नॉट सिक। अब इसी सेंटेंस को इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं, मतलब प्रश्नवाचक में, क्या तुम बीमार हो, आर यू सिक। अब इसी सेंटेंस को इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस बनाते हैं, क्या तुम बीमार नहीं हो, आंट यू सिक, या फिर आर यू नॉट सिक। सीता सुंदर है, बहुत ही सरल है, एकदम ही आसान है। चलो इसको ट्रांसलेट करते हैं, सीता इज ब्यूटीफुल। अब इसी सेंटेंस को निगेटिव सेंटेंस बनाते हैं नकारात्मक वाक्य में, सीता सुंदर नहीं है। बहुत ही आसान है, हेल्पिंग वर्ब के साथ नॉट लग जाएगा, जैसे सीता इज नॉट ब्यूटीफुल, सीता सुंदर नहीं है। अब इसी सेंटेंस को हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं, मतलब प्रश्नवाचक वाक्य में, क्या सीता सुंदर है, इज सीता ब्यूटीफुल। अब इसी सेंटेंस को इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस बनाते हैं, मतलब प्रश्नवाचक नकारात्मक, क्या सीता सुंदर नहीं है, इजंट सीता ब्यूटीफुल, या फिर एक फॉर्मूला आपको और बताया था, इज सीता नॉट ब्यूटीफुल। हेल्पिंग वर्ब पहले, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट, उसके बाद फिर कॉम्प्लीमेंट, तो सेंटेंस बन गया हमारा, इज सीता नॉट ब्यूटीफुल। वह बेवकूफ है। चलो अब इस सेंटेंस को ट्रांसलेट करते हैं, ही इज फुलिश, वह बेवकूफ है। अब इसी सेंटेंस को निगेटिव सेंटेंस बनाते हैं, मतलब नकारात्मक वाक्य, वह बेवकूफ नहीं है, ही इज नॉट फुलिश। अब इसी सेंटेंस को प्रश्नवाचक वाक्य बनाते हैं, मतलब इंटरगेटिव सेंटेंस, क्या वह बेवकूफ है, इज ही फुलिश। अब इसी सेंटेंस को चलो इंटरगेटिव निगेटिव सेंटेंस बनाते हैं, मतलब प्रश्नवाचक वाक्य नकारात्मक, क्या वह बेवकूफ नहीं है, इजंट ही फुलिश, या फिर इज ही नॉट फुलिश।